भाई यहाँ पर ना आज से 4 साल पहले जब मोदी जी आए थे ना तो उन्होंने इसी होटल में स्टे किया था। नमस्ते, राम राम। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर MI कार, Xiaomi कार। तो भाई ये लोग कुछ कार का आगे से ऐसे दिखते हैं, उसका यहाँ पे ना कुछ वो स्विफ्ट की आवाज आ रही है। Xiaomi के मोबाइल हैंग हो जाते हैं, मे बी ये भी हैंग हो सकती है। म्यूजिक चल गया। ये MI की कार, Xiaomi की कार जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है, हालांकि ये पहली कंपनी नहीं है जिस ये पीछे का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखना हो। लेकिन ओपन इट, खाली खाली वाली डब्बे वाली टीन के चक्कर वाली फील आ रही है। कि प्राइस की बात करते हैं, जो पीछे कार खड़ी है जो लेडी स्क्रीन, और यहाँ पे भाई लिटिल कैट झरना सा गिर रखा है, ऊपर से चैप चैप ही निकल रहे हैं। 30 लाख उस पे करते हो और आपको मतलब बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो भाई वो कार वर्थ इट है। तो यार यहाँ पे ना फ्लावर बुके कोई गिर गया, देख लो कितना बड़ा बुके है भाई। किस गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज विक जर्नी। सो इस वक्त मैं वुहान चाइना में हूँ, और भाई वुहान चाइना की ना बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्ट्रीट पे खड़ा हूँ, जो स्ट्रीट का नाम है, इस स्ट्रीट का नाम हांजी स्ट्रीट है। और मैं ऐसी लोकेशन पे खड़ा हूँ ना कि भाई यहाँ पर ना आज से 4 साल पहले जब मोदी जी आए थे ना तो उन्होंने इसी होटल में स्टे किया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको भाई Xiaomi की जो न्यू कार लॉन्च हुई है ना वो दिखाने जाऊँगा, वो इसी स्ट्रीट पे है, और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे उस कार को, और यहाँ की स्ट्रीट भी दिखाऊंगा, और चाइना वुहान में लोगों की लाइफ कैसी है, लोग रहते कैसे हैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको होटल दिखाता हूँ जहाँ पर मतलब मोदी जी आगे यहाँ पे रुके थे। तो भाई कुछ ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और आपको होटल दिखाता हूँ जब मोदी जी ने जिस होटल में स्टे किया था। जो सामने आप होटल देख रहे हो ना, इस होटल का नाम है वांडा रेन। और भाई ये इतना महंगा होटल है ना, इसका एक रूम भी ना मतलब 4 लाख 5 लाख रुपये का है, तो आप समझ सकते हो कितना महंगा होटल है। और आज का वेदर भाई बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सामने कुछ टॉल टॉल बिल्डिंग्स, और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया है काफ़ी। मतलब ये स्ट्रीट इतनी पॉपुलर स्ट्रीट है ना वुहान चाइना में, अगर आप रात के टाइम आओगे ना तो भाई आपको चलने की ढंग से जगह नहीं मिलती। तो अभी चलते हैं इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं। और आज की इस वीडियो में मेरे को भाई ज्वाइन किया, मेरे साथ माइक है, माइक भी अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, उसको भी कार एक्सप्लोर करनी थी। हे माइक, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम बैक टुडे। सो गाइस, आई एम सो हैप्पी टू बी बैक, यू नो। नमस्ते, राम राम। मेरा नाम माइक चाइना ब्रो। सो गाइस लेट्स गो। सो यू टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर MI कार, Xiaomi कार। सो गाइस, डू यू नो लाइक इन चाइना लाइक दिस Xiaomi इज द फर्स्ट iPhone, like I mean like a phone factory to release the new car, smart car. So we wanna go and see what we can expect. In case you are interested in the cars, let's go and explore together. Okay, let's go. तो भाई कुछ ऐसी स्ट्रीट आप देख सकते हो, और यहाँ पे Starbucks भी है, मतलब सारे मतलब फेमस आउटलेट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ का जो Starbucks है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है मतलब देखने में, और बाहर भी बैठने की इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बना रखी है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है इसी स्ट्रीट पे, जो कि ब्रांड्स वगैरह भी नए नए ओपन हो रहे हैं, रेनोवेशन चल ही रहा है यहाँ पे। तो भाई कुछ ही ऐसी स्ट्रीट है, स्ट्रीट तो हालांकि बहुत ही लाजवाब है, सारे जितने महंगे आउटलेट्स हैं ना सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भाई Xiaomi की कार देखने जा रहा हूँ। जब मुझे पता चला ना कि भाई यहाँ पर इन्होंने मतलब MI का जो एक मोबाइल का शोरूम है उसमें इन्होंने कार भी रख रखी है, और मतलब आप वहाँ पर जाके उसको कार को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि हम एक्सप्लोर करने से पहले परमिशन लेंगे, तो देखते हैं हमें परमिशन मिलती या नहीं मिलती। होपफुली हमें परमिशन मिल जाएगी। और भाई कार पूछो मत, इतनी हाइप बना रखी है, क्या वो सच में हाइप है ऐसी, या कार वर्थ इट है, सब कुछ आपको इन डिटेल बताऊंगा। और वीडियो आज की भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई ये स्ट्रीट इतनी पॉपुलर है ना, और यहाँ पे भाई इन्होंने जो अपने कलाकारी दिखा रखी है ना ब्रांड्स को लेके, मतलब पूछो मत। अब जैसे ये कॉर्नर वाली बिल्डिंग है ना, आप देखो इसको मतलब ऐसे फ्लावर से डेकोरेट कर दिया है। आई डोंट नो इनकी शायद ज्वेलरी वगैरह की कोई बिल्डिंग है, तो आप देख सकते हो अंदर मतलब पूरा ज्वेलरी का काम है, बट इसको फ्लावर से डेकोरेट कर दिया ताकि मार्केटिंग करने के लिए लोग आए तो फोटो लें, वीडियो लें। और सामने ही एक 3D स्क्रीन लगा रखी है इन्होंने, वाह यार, उसके ऊपर एक वॉच भी है, कितना बढ़िया लग रहा है। टाइम हालांकि हाँ सही हो रहा है भाई, टाइम सही हो रहा है। और छोटे छोटे आउटलेट्स बना रखे हैं। अच्छा, ये कोई अपार्टमेंट वगैरह की सेलिंग चल रही है, इन्होंने अपार्टमेंट के मॉडल भी बना रखे हैं कि भाई वो अपार्टमेंट अंदर रखे हुए। ये कार के आउटलेट और 3D स्क्रीन, और यहाँ पे भाई लिटिल कैट म्याओ 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 चलने की कोशिश करती हुई, काफ़ी बढ़िया है यार स्ट्रीट सच में। सफोरा भी है भाई, जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद है ब्रांड, काफ़ी अच्छा जगह है यार। और चलते चलते देखो यार क्या मिला यहाँ पे, इन लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं ऐसे स्ट्रीट पे, और आंटी टिकटॉक पे वीडियो बना दी है। और यहाँ पर भाई एक चाइनीज़ कैफ़े है, और वहाँ पर KFC है, काफ़ी अच्छी जगह है यार, मतलब काफ़ी एक्सप्लोर करने वाली जगह है। और साफ वगैरह काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही हैं यहाँ पे, छोटे छोटे आउटलेट्स, और सामने बड़ी बिल्डिंग का व्यू। इनके एडवर्टाइजमेंट बॉक्स देख रहे हो जो इन्होंने बाहर लगा रखे हैं, ये
भाई लिटरली ये रात के टाइम पे ना इतना ग्लो करते हैं और अलग से हाईलाइट होते हैं। देखो मैं साइड में जाके दिखाता हूँ, ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं। ये देखो इन्होंने बाहर निकाल के लगा रखे एडवर्टाइजमेंट बॉक्स, और ये सामने वाली कंपनी ने तो मतलब पता नहीं क्या ही ग्रिल ग्रिल बना रखा है भाई। मज़ा आ गया यहाँ पे आगे, मतलब खाली लग रहा है ना तो और भी बढ़िया लग रहा है। अगर रात के टाइम आओगे ना आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिलेगी, बट इतना बढ़िया नहीं लगेगा। और सामने ही मेरे मिनी शो है, और ये देखो यार इन्होंने क्या क्रिएटिविटी दिखा रखी है। चैप चैप इन्होंने बाहर रख रखा है मिनी शो का, और भाई ऊपर से मतलब ऐसे कुछ झरना सा गिर रखा, ऊपर से चैप चैप ही निकल रहे हैं मिनी शो। और भाई लिटरली बहुत ही बढ़िया बना रखा है इन्होंने, ऐसे अंडे में निकलता हुआ। ए हाय रे गिल गिल गिल। भाई अब सीधा चलते हैं हमारी की कार की तरफ। मतलब इस स्ट्रीट पे इतना सब कुछ है ना एक्सप्लोर करने को, अगर मतलब मैं ये पूरी स्ट्रीट दिखाने लगा ना आपको तो फिर 2 घंटे का व्लॉग ही बन जाएगा। तो सीधा चलते हैं जहाँ पे हमें मतलब जाना है, हमारी की कार एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद बाहर आके फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। तो भाई इस वक्त मैं आ चुका हूँ सोमी के आउटलेट पे, आप देख सकते हो पीछे सोमी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। और मेरे सामने भाई इस वक्त सोमी की कार है जो न्यूली लॉन्च हुई है SU7। आपको इसका लुक दिखाता हूँ। तो भाई ये लुक है कुछ कार का, आगे से ऐसे दिखती है। और सच बताऊँ ना यार कार बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अगर आपको साइड से ओवरव्यू देता हूँ इसका तो आप देख सकते हो, हालांकि इस जगह पे ना बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अभी अंदर चल के भी दिखाएंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ की यहाँ पर ना MI के भाई इन्होंने अलॉय व्हील भी प्रोवाइड करे हैं। और इस कार का ना लुक ना समवेयर मुझे ना पोर्शे की कार से मिलता हुआ लग रहा है। और पीछे से बैक साइड पे यार कुछ ऐसा लुक है। और अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात बताऊँ ना तो अराउंड समवेयर ये 500 लीटर का इसका बूट स्पेस है, और भाई वो भी काफ़ी बढ़िया है। खाली बटन से आप बंद कर सकते हो, बटन से ही प्रेस करके आप इसको लॉक कर सकते हो। तो कुछ ऐसी कार है, अभी इसकी इन डिटेल बताऊंगा। ये जो मॉडल यहाँ पे खड़ा है SU7 Max, जो बिल्ड क्वालिटी है ना इट्स लिटरली भाई अच्छी है। बट यहाँ पे ना कुछ वो स्विफ्ट की आवाज़ आ रही है। कार का गेट कुछ ऐसा दिखता है, स्पीकर्स वगैरह सब शाओमी के लगे हुए हैं। सो अभी अंदर बैठते हैं, आगे से फ्रंट से कुछ ऐसा है। पीछे का बैक का इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया, पहले तो इसको गेट को क्लोज करते हैं। बैठने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि इसको थोड़ा स्पोर्ट्स लुक दे रखा है, स्पोर्टी लुक दे रखा है। और सामने ये बड़ी सी डिस्प्ले है जो कि भाई पूरी चाइनीज़ में, और थोड़ा लोकल क्वालिटी की लग रही है। जैसे सोमी के मोबाइल हैंग हो जाते हैं, मे बी ये भी हैंग हो सकती है। म्यूज़िक चल गया, आई डोंट नो बंद कैसे होगा। सो कुछ ऐसी डिस्प्ले है। और ये फील यहाँ पर, ये ग्लव बॉक्स है, 2 ग्लव बॉक्स दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एम्बियंस लाइटिंग वगैरह लगा रखी है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलते हैं, और वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पे है। और बाकी सारे एसी के कंट्रोल्स हैं नॉल, मोस्टली कार के जो भी कंट्रोल्स हैं ना आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कुछ ये बड़ी सी डिस्प्ले है। और इन्होंने ये मोबाइल होल्डर भी अटैच दिया है यहाँ पे, ये आपको टाइम वगैरह दिखाती रहेगी। और आई थिंक ये जो डिस्प्ले है ना, बैक मिरर जो है ना, ये नॉर्मल मिरर नहीं है, इस पर कैमरा लगा हुआ होगा। और इनके सनरूफ एंड ऑल इंडिकेटर वगैरह किसी ने चालू कर रखा है। सो इसीलिए गेट खुला हुआ, सब कुछ आपको सामने मिरर में मिल जाएगा। ये कुछ कार का स्टीयरिंग है, और ये स्टीयरिंग कहीं ना कहीं पोर्शे की कार से सिमिलर है क्योंकि इन्होंने एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करी है। और नीचे से कार कुछ ऐसी दिखती है, इसमें ये टोटल दे रखी है और एक ब्रेक दे रखी है, कुछ काइंड ऑफ ऐसी कार। और यहाँ पे भी ग्लव बॉक्स है। और ये जो भी आप लेदर देख रहे हो ना भाई, ये सब हार्ड टच है। आप ये हीटेड सीट भी है और वेंटिलेटेड सीट भी, आप इसको हीट भी कर सकते हो, वेंटिलेटेड भी कर सकते हो। और पूरी कार का कुछ ओवरव्यू ऐसा है। तो भाई ये MI की कार, Xiaomi की कार जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है, हालांकि ये पहली कंपनी नहीं है जिसने मतलब मोबाइल की कंपनी जिसने कार लॉन्च करी हो। इससे पहले ही एक Huawei की कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से अपनी कार लॉन्च करती हुई आई है। तो आप देख सकते हो, हालांकि इसकी इतनी हाइप बना दी है क्योंकि भाई Xiaomi की कार है, पहली कार है, बट कैपेसिटी में बहुत अच्छी है, 800 की रेंज देती है, आप 800 चला सकते हो। सो भाई अब देख सकते हो इन्होंने वॉइस कमांड भी आप मतलब दे के मतलब इसे कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने अभी वॉइस कमांड दे के इसका कुछ बंद किया है और म्यूजिक चालू किया है। सो और ये गाना चला दिया। और ये पूरा मतलब इसका जो डोर है ना फ्रेमलेस है। इस डोर पे ना मतलब आपको ऊपर से मतलब कोई फ्रेम नहीं है, आप खाली मिरर ओपन कर सकते हो। और इसके साइड मिरर भी ना यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, एग जैसे हैं, मतलब पूरा आप देखोगे ना एक जैसा। और अगर आप इसमें भी सेंसर लगा, कोई गाड़ी आपके साइड से क्रॉस करने की कोशिश करती होगी ना, तो ये आपको उसमें इन्फॉर्म करेगा। और ये गाने वगैरह चालू हो गए हैं, कुछ ऐसी गाड़ी है और भी ऐसा है। और ये पीछे का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। ऊपर की साइड तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया ये रूफ दी है जो कि भाई मेरे ख्याल से टिंटेड है, मतलब हाँ सनलाइट अंदर नहीं आएगी।
एक सबसे बढ़िया चीज मुझे इस कार में लगी कि भाई यहाँ पे ना कोई ऐसा हुड निकला हुआ नहीं है, पूरा फ्लैट सरफेस है। मतलब जो मैक्सिमम कारों में होता है ना, यहाँ पे आप पैर रखने के लिए दिक्कत होती है स्टफ रखने के लिए, ये पूरा फ्लैट है, आप अपने पैर ऐसे रख सकते हो। और इंटीरियर तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया बनाया इन्होंने, मतलब ये ऐसे ग्लव बॉक्स भी मिला हुआ है इस साइड का, मतलब आप खोल के ऐसे यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं आपको विंडोज एंड ऑल के, और ये बड़ी सी डिस्प्ले सामने की साइड, मतलब एसी लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी एसओएस, और ऊपर की रूफ पूरी मतलब इन्होंने एकदम ग्लास की बना रखी है। यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप अपनी मतलब आईपैड वगैरह फिक्स कर सकते हो, डिस्प्ले लगा सकते हो जैसे यहाँ पर है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ऐसे, इन्होंने मतलब लाइक अलग से अटैच कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने अटैच करने का ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे एम्बियंस लाइट है, मे बी आप इसके कलर वहाँ से चेंज कर सकते हो। द मेन प्रॉब्लम इज दैट ये सब कुछ पूरी डिस्प्ले चाइनीज में, तो अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। बाकी कुछ पीछे से इंटीरियर ऐसा है आपको, सो मिरर नीचे करने के लिए वन टच बटन है, आप इससे नीचे कर सकते हो, इससे ऊपर कर सकते हो। और कार ओपन करने के लिए भी ना भाई ये है, ऐसे जस्ट इसे प्रेस करना है और कार ओपन हो जाएगी, और कार का कलर कुछ ऐसा है। बट भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैठने में ना इतनी मतलब कोई ऐसे सॉफ्ट लेदर वाली फील नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है किसी हार्ड सोफे पे बैठा हुआ हूँ, ना इतनी कंफर्टेबल है। लैग स्पेस वगैरह अच्छा है नो डाउट, मतलब कार में स्पेस अच्छा है, तीन लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं, बट इतना कंफर्टेबल नहीं है। और इसकी प्राइस रेंज की बात अभी आगे बाहर निकल के करता हूँ, अभी आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे से दिखाता हूँ कि ये कार है कैसी। तो भाई देखो आगे का बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको इस कार में, मतलब बूट स्पेस कैसा है। सो नाउ वी कैन ओपन इट। सो आगे भी मतलब अच्छा खासा बूट स्पेस है, मतलब 100 लीटर का है, 100 लीटर आपको इस पे। इसकी बिल्ड क्वालिटी लिटरली मेरे को इतनी पसंद नहीं है, ऐसे खाली खाली वाली डब्बे वाली टीन की चद्दर वाली फील आ रही है, बट इट्स लुक लाइक गुड। सो भाई आपने कार देखी, कार कुछ ऐसी दिखती है। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये जो पीछे कार खड़ी है जो इसकी इतनी हाइप बना रखी है कि भाई कार ये ऐसी है वैसी है, हालांकि नो डाउट बढ़िया है कार, मतलब बैठने में दिखने में बढ़िया, आपको वीडियो में दिख रही होगी कि कितनी प्रीमियम फील हो रही है, बट बैठने में इतनी प्रीमियम फील नहीं हुई क्योंकि इसको ना कहीं स्पोर्टी लुक दिया हुआ है। और ऐसा भी कह रहे हैं कि इसको भाई पोर्शे से चुराया हुआ है, इसके स्टीयरिंग हो गया, इसका डिज़ाइन हो गया कहीं ना कहीं वैसा दिखता है, और स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करी गई है। अब इसके प्राइस की बताता हूँ कि ये कार एक्चुअली है कितने की, और इसमें तीन मॉडल्स निकाले गए हैं, तीनों के अलग अलग प्राइस है, जो मैं प्राइस बताऊंगा मैं आपको ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बताऊंगा। तो SU7 ये पड़ेगा आपको 25 लाख का इंडियन रुपीज़ में, SU7 प्रो 30 लाख का, SU7 मैक्स ये आपको पड़ेगा 35 लाख का। तो ये जो मेरे पीछे कार खड़ी है, तो ये है SU7, तो इस कार का प्राइस है भाई 25 लाख इंडियन रुपीज़ में। और आई डोंट नो ये इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होगी, बट ये चाइना में लॉन्च हो चुकी है, और इसकी Xiaomi ने इसकी 2 डिलीवरी भी पहले ही दे दी है इस कार की। और यहाँ पे भाई इसका चार्जिंग पोर्ट है, तो इसको बस टच करना है, और यहाँ पे दो चार्जर हैं, एक तो नॉर्मल चार्जर है कि मतलब आप नॉर्मल स्पीड से चार्ज कर सकते हो, और एक ये कुछ DC चार्जर है सबसे सुपर फास्ट वाला, आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे बटन दी हुई है, इसको प्रेस करके आप इसको बंद भी कर सकते हो। भाई कार देख के तो हम बाहर आ चुके हैं, और पर्सनली मेरे को कार बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्ड क्वालिटी वगैरह यार बहुत ही बेकार थी, मतलब खाली हाइप बना रखी है कि भाई Xiaomi की कार ऐसी है। जब मैं उसके मतलब बोनेट को दबा रहा था तो भाई वो लिटरली दब रहा था, और अंदर से टोटली अनकंफर्टेबल थी। इन्होंने सारा हार्ड मटेरियल हार्ड प्लास्टिक यूज़ कर रखी थी, बैठने में इतना कोई मतलब था नहीं बढ़िया। और जिस प्राइस रेंज पर ये कार आ रही है ना, ये Xiaomi की चाइना में, मे बी इंडिया में थोड़ी महंगी होगी, बट इस प्राइस रेंज में ना आपको मतलब टेस्ला मॉडल वाई मिल जाएगी, और उसके मतलब उससे तो Xiaomi की कार से तो बहुत ही बढ़िया मच बेटर है। तो अगर आपको प्रेफर करनी हो ना, तो भाई मैं तो कहूँगा मॉडल वाई ज़्यादा बढ़िया है Xiaomi की कार से, बस इन्होंने हाइप बना रखी, और ऐसा कुछ है नहीं, अंदर मतलब बैठने में इतनी कोई कंफर्टेबल थी नहीं। मतलब आप देखो ना, आप मतलब इंडिया के 30 लाख रुपये पे कर रहे हो, और आपको मतलब बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो भाई वो कार वर्थ इट है। सो अभी मेरे साथ माइक है, माइक ने भी पूरी कार एक्सप्लोर करी है, और इसने भी वीडियो बनाई है, तो अभी माइक का एक्सपीरियंस लेता हूँ कि इसको कैसी लगी कार। सो माय होनेस्ट एक्सपीरियंस विद द कार, आई थिंक वी हैव ऑल द लाइक आवर स्मार्ट कार्स आई हैव सीन इन चाइना, सम ऑफ द स्पोर्ट कार्स, सम ऑफ द SUVs, आई कैन से आई डिडंट सी एनीथिंग दैट आई कैन से दिस स्पेशल ऑन द कार फ्रॉम द अदर कार्स आई सीन, लाइक देयर इज नथिंग आई कैन से वाओ आई सॉ दिस कार, दिस इज स्पेशल फ्रॉम अदर कार्स आई हैव सीन, except that they say maybe you can use your smartphone, for example if you use Xiaomi you can use your smartphone to control the car, if you and voice command also, like yeah, also they say it has autopilot, auto drive, but in general if the car is outside and with other Chinese brands I've seen, no one will be like this, maybe because of the brand people can say, oh, Xiaomi is popular, but there are many beautiful cars I've seen, like sports cars in China,
that are much better and even affordable than that one. तो भाई ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था माइक और मेरा, मतलब हम दोनों को लिटरली मतलब कार इतनी कुछ पसंद नहीं आई, ओवर हाइप बना रखी है। और आपको पता ही है जब कोई मोबाइल वाली कंपनी अपनी कार लॉन्च करती है तो यार इतनी हाइप तो बनी जाती है कि भाई हम इसके मोबाइल की स्टार्टिंग से यूज़ करते आए हैं, इसके प्रोडक्ट यूज़ करते आए हैं। और जब कोई कंपनी ऐसे कार लॉन्च करे तो होता ही है कि यार शाओमी की कार है, देखनी है, खरीदनी है। बट इसी प्राइस रेंज पे आपको और बेटर ऑप्शन मिलते हैं। भाई आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा व्यू हो रहा है, ये नीचे एक रिवर जा रही है और सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट का व्यू कुछ ऐसा है। तो यार यहाँ पे ना फ्लावर बुके कोई गिर गया, देख लो कितना बड़ा बुके है भाई, किसी बंदे ने अपनी प्रेमिका को दिया होगा। सो देख सकते हो ऐसे छोटी छोटी क्रिएटिविटी ये लोग करते रहते हैं ऐसे स्ट्रीट वगैरह पे और हर जगह। सो यार आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो को एंड करते हैं। और एक मिनट, एंड करने से पहले माइक आपसे कुछ कहना चाहता है। पिछली लास्ट वीडियो में आपने माइक को इतना प्यार और सपोर्ट दिया था यार, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब किया था, तो वो आप लोगों के लिए हिंदी सीख रहा है, तो लेके चलता हूँ आपको माइक के पास। नमस्ते, राम राम, शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। You guys. So यार खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक से एंड सब्सक्राइब माय चैनल आदविक जर्नी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, हैव फन।